हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है करेक्टर ऑफ मुन्नू। मुन्नू का करेक्टर हमने कहाँ पढ़ा था? जो कूली का नोवेल है, कूली नोवेल, किनके द्वारा लिखा गया था? मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद थे जो, वो एक इंडियन राइटर थे जो इंग्लिश में अपना वर्क लिखते थे। ठीक है, तो मुल्कराज आनंद जी ने जो है ये कूली नोवेल लिखा, और कूली नोवेल में जो मेन करेक्टर है विच इज़ मुन्नू, उसके ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन कब पढ़ते हैं। मुन्नू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर क्रिएटेड बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर क्रिएट किया था। जो ये नोवेल है, ओडिसी ऑफ मुन्नू है, जो एक ऑर्फन विलेज बॉय है जो 14 साल का है, कहाँ से? कांगरा हिल से। जब ये 14 साल का था, ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड व्हेन वी मीट हिम फर्स्ट टाइम इन द नोवेल। ये 14 साल का था जब हम इसे पहली बार मिले थे। और ही इज़ बेयरली 16 व्हेन ही डाइज इन द लास्ट डेज ऑफ द नोवेल। और जब ये 16 साल का हुआ तब इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, क्यों हुई थी ये हमें आगे क्वेश्चन में पता लगेगा। व्हेन ही डाइज ऑन द लास्ट डेज ऑफ द नोवेल, मुन्नू इज ड्रैग्ड इन द प्लेन्स बाय द फोर्सेस ऑफ फेट। जो ये मुन्नू के साथ जो कुछ चल रहा था, जैसे पहले वो किस तरह जो है उसके साथ जो जो कंडीशंस हुई, वो उसकी जो किस्मत की वजह से, उसकी किस्मत उसे जहाँ लेके गई वो वहाँ पर चला गया। ठीक है, इन द कोर्स ऑफ 2 ईयर्स, ये जो 14 साल से 16 साल तक का जो टाइम था जब हमने उसको फर्स्ट टाइम देखा था नोवेल में, वह तब से लेके और जब वो उसकी डेथ हुई, 14 से 16 साल तक का जो टाइम था, इसके अंदर उसने बहुत सारे रोल्स प्ले किए। पहला क्या है, एज अ कूली बना, फिर वो बना लेबरर। ठीक है, फिर लेबरर बना, फिर एज अ रिक्शा पुलर उसने काम किया, और डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह भी उसने काम किया। पहला काम उसका डोमेस्टिक सर्वेंट, फिर कूली बना, फिर लेबरर बना, फिर रिक्शा पुलर बना। ठीक है, तो जो ये रिक्शा पुलर की जॉब थी, इसकी वजह से जो है इसकी डेथ हुई। कैसे डेथ हुई? ये जो जॉब है, अ जॉब द रिगोरस ऑफ विच ब्रिंग ऑन द स्विफ्ट कंसप्शन एंड ऑन अनटाइमली डेथ। जो इसमें जो उसे नहीं अच्छी तरह खींचना नहीं आता था, जो उसमें फिजिकल वर्क था, उसकी वजह से उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उसकी डेथ हो गई। मुन्नू इज मेलनकोलिक बॉय, he also thought about the miserable conditions of his life. he says my father died when I was born and then my mother. जब मतलब उसे अपनी जो उसके साथ conditions हुई, उसकी बुरी जो हालत है वो किस वजह से है, उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता है। जब वो कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था मेरे फादर की डेथ हो गई, और फिर उसके बाद मेरी मदर की डेथ हो गई। हमें पता है कि मुन्नू जो है अपने अंकल आंट के साथ रहता है। ठीक है, मुन्नू इज़ अ पैसिव करेक्टर, ही इज़ ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसिस, ही टोस्ट हेयर एंड देयर बाय हिज फेट, हिज रोल इन द नोवेल ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट दैट मुन्नू नेवर डिड एनीथिंग, द थिंग्स ऑलवेज हैपन टू हिम। मुन्नू जो है एक पैसिव करेक्टर है, मतलब वो अपने आप कुछ नहीं करता, उसके साथ जो हो रहा है या तो सोसाइटी कर रही है या फिर उसकी किस्मत उसे इधर उधर जो भटका रही है, कभी कहीं पर कभी कहीं पर, वो खुद से कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, एज अ पैसिव करेक्टर ही गोज वेयर हिज डेस्टिनी टेक्स हिम, ही एक्सेप्ट्स हिज फेट विद रेजिग्नेशन विदाउट एनी कंप्लेंट। द होल शॉर्ट लाइफ ऑफ मुन्नू इज फुल ऑफ डिफरेंट एपिसोड्स। एज अ क्रिटिक राइट, मुन्नू इज पैसिव करेक्टर, ही डज नॉट एक्ट बट इज एक्टेड अपॉन बाय सोसाइटी। मुन्नू जो है खुद कुछ नहीं कर रहा, उसके ऊपर जो सोसाइटी उसके ऊपर अत्याचार कर रही है, जो भी कर रहा है सोसाइटी या उसकी किस्मत, उसकी वजह से जो मुन्नू जहाँ पे भी जा रहा है, इन दोनों की वजह से ही जा रहा है। ठीक है, मुन्नू जो है इनोसेंट हिल बॉय है, पहाड़ी लड़का है, सिंपल बॉय है, उसको कोई ज़्यादा ग्रेट एम्बिशंस नहीं है। इन बिलासपुर ही इज़ द लीडर ऑफ द विलेज बॉय। विलेज बॉय का मतलब जो गांव में लड़के थे उनमें से ये लीडर था, क्योंकि ये अच्छी तरह जो है ट्रीज़ को क्लाइम कर लेता था। ठीक है, ही इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग हिज स्टडीज़, इवन दो द डिज़ायर ऑफ हिज बीइंग
थ्वार्टेड बाय द डिसीजन ऑफ हिज अंकल एंड आंट टू सेंड हिम टू द टाउन टू टेक अ जॉब. जब मतलब ये अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, पर जो है इसके जो अंकल आंटी थे उन्होंने उसको जो है सिटी भेज दिया कि ताकि जो है इसको जॉब मिल सके और घर में कुछ पैसे आए. अब आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू वर्क, ये बोलता है मुन्नू कि मेरे को पढ़ना भी और मेरे को काम भी करना है. डिस्पाइट इल ट्रीटमेंट ऑफ हिज अंकल एंड आंटी, मुन्नूज लाइफ एट बिलासपुर इज़ कंपेरेटिवली हैप्पी. ऑल्दो जो सरकमस्टांसिस थे, ही इज़ समटाइम ट्रबल्स बाय द मेमरीज ऑफ हिज डेड पेरेंट्स, येट ही इज़ ऑन द होल केयर फ्री एंड हैप्पी. मुन्नू हैज़ द आइडिया दैट हाउ जय सिंह्स फादर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इम्पेंडिंग फॉर्चून्स. अब यहाँ पर वो जो पढ़ना चाहता था, ठीक है, पर उसके जो अंकल आंटी थे उन्होंने उसको जो है टाउन में भेज दिया ताकि वो वहाँ पर जॉब कर सके और वहाँ से कोई कुछ कमाई कर सके, ठीक है. पर फिर भी इतना सब कुछ इल ट्रीटमेंट के बावजूद भी मुन्नू की लाइफ जो अपने विलेज में थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी एज़ कंपेरिजन टू जब वो बाहर आ गया था, ठीक है, टाउन में आ गया था, काम करता था. और उसे ये भी पता था, जब उसे अपने पेरेंट्स की याद आती थी तो उसे ये भी पता था कि जय सिंह के जो फादर हैं उसकी वजह से जो है उसके ऊपर जो ये मिसफॉर्चून्स आई हैं, उसकी जो है बुरा वक्त आया है उसकी वजह से आया है, उसके पिता की वजह से. तो मुन्नूज फेट नाउ टेक हिम टू शामनगर, जहाँ पे वो किस कैसे उसको नौकरी मिली, वो डोमेस्टिक सर्वेंट बना. किससे? बाबू नथुराम के घर पर. मुन्नू हैज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी भी थी उसके अंदर. शुड नॉट बी फॉरगेटन इन असेसिंग हिज करेक्टर. ही फील्स हर्टेड बाय बीबी जी बिहेवियर, बीबी जी का जो बिहेवियर था, क्योंकि वो उसे हमेशा डांटती रहती थी, उसे मारती पीटती भी थी, ठीक है, उसे डांटती भी थी, मारती पीटती भी थी, और ख़ुद को जो है वो कॉन्शियस थी अपने अपर स्टेटस को लेके, क्योंकि वो थोड़ी उसका जो सोशल सामाजिक समाज में जो उसका स्टेटस था, जो उसका इकोनॉमिकली जो वो हायर थी मुन्नू से, तो इस वजह से वो थोड़ी कॉन्शियस रहती थी. और उसकी वजह से जो है वो अपनी बेटी जो शीला नाम था जिसका, उसको भी ना मुन्नू के साथ खेलने नहीं देती थी, ठीक है. बट आई एम, अब मुन्नू जो है इतना सब कुछ बीबी जी का जो बिहेवियर देख रहा है वहाँ पे, उसको मारती है, उसको ताने देती है, अपना स्टेटस उसको शो करती है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं तुमसे अपर लेवल की हूँ, तो उस वजह से जो मुन्नू सोचता है बट आई एम, द आंसर कम्स टू हिज माइंड इज़ आई एम बाबू नथू राम सर्वेंट. उसके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि मैं तो सर्वेंट हूँ बाबू नथू राम का. मुन्नू जो है भाग गया नथू राम के घर से, क्यों? Because he receive a severe beating from Nathu Ram as he bites on the Sheila's cheek. Sheila कौन इनकी बेटी थी? Nathu Ram और बीबी जी. तो उसने जो है उसको नहीं पता था कि जो एक गर्ल के चीक पे जो है काट देने से ये जो है सामाजिक रूप से अच्छी बात नहीं है. उसे नहीं पता था, उसे किसी ने सिखाया नहीं था, तो उसे नहीं पता था कि ये जो है ये सीरियस इशू है, इसको समाज में एक्सेप्ट नहीं करता. ही इज़ अ सेंसिटिव एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग लैड एंड कैन नॉट रिकनसाइल हिमसेल्फ टू द ह्यूमिलेशन ऑफ बीटिंग. ही सेट इन अ ट्रेन आफ्टर रन्स अवे फ्रॉम नथू राम्स हाउस. वो वहाँ से भाग गया नथू राम के घर से और फिर ट्रेन में बैठ गया. अब उसे नहीं पता वो कहाँ पर जा रहा है, ठीक है, पर वो उसे इतना जो है वो थैंकफुल है कि चलो कि मैं एक मूविंग ट्रेन के अंदर हूँ, ठीक है. यहाँ से हम पढ़ते हैं, ही डिड नॉट नो वेयर ट्रेन इज गोइंग बट ही वॉज थैंकफुल टू बी इन दी मूविंग ट्रेन. वो मूविंग मतलब ट्रेन जो चल रही है कि इतना थैंकफुल है वो कि मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है. यहाँ पे भी देखो किस्मत ने किस तरह उसे, पहले वो कहाँ आया, डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में आया, ठीक है, अब यहाँ से भी वो भाग रहा है. कहाँ जा रहा है उसे नहीं पता, जहाँ ट्रेन लेके चली जाएगी वो चला जाएगा. अब देखते हैं उसको ट्रेन कहाँ पे लेके जाती है. एक्चुअली मुन्नू इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. वो अप्रिशिएट करता था जो काइंडनेस उसको दिखती थी किसी, या गुडनेस उसको दिखती थी किसी दूसरे पर्सन के अंदर, ठीक है. उसे पता था कि जो सामने वाला पर्सन है, जो उसकी काइंडनेस है और गुडनेस है उसके अंदर कितनी है और कैसे सामने वाला कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है. उसे समझ आती थी ये बातें, ठीक है, इंटेलिजेंट था वो. फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ अनेबल टू एंड्योर बीबी जीज क्लोननेस एनी लॉन्गर. Though he has been quite appreciative of Dr. Premchand's kindness and
generosity towards him. He has certain sense of dignity too, though it is not yet a well-defined trait of his character. मतलब उसे जो है पता था कि जो ये प्रेमचंद था, ठीक है, उसका जो करेक्टर था वो भी अच्छा था, वो उसके साथ थोड़ा अच्छे तरीके से बिहेव करता था. बीबी जी का करेक्टर कैसा था, वो उसको मारती पीटती थी, उसको सुनाती थी, ठीक है, और खेलने नहीं देती थी शीला के साथ. तो यहाँ पे जो है उसको समझ आता था कि ये अच्छा है, ये पर्सन अच्छा है, ये पर्सन बुरा है, ठीक है. और उसे ये भी समझ आ जाता था, मुन्नू वाज ऑलवेज क्विक टू सेंस पीपल्स इमोशन, हैज़ एमर्ज टू रियलाइज द रियल इंट्यूशंस ऑफ पीपल. जो उनकी मतलब जो वो उसके साथ बात कर रहा है उसकी रियल इंट्यूशंस क्या है, क्या क्या किस तरह से वो उसके साथ बात कर रहे हो और बात करने के पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, वो समझ लेता था. मुन्नू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी. ही रिकॉल्स हिज अंकल्स वर्ड्स, मनी इज़ एवरीथिंग. He then comes to the conclusion that there must be two kind of people in the world. जब मुन्नू को पैसे की वैल्यू का पता लग गया था, जो उसका अंकल बोलते थे कि पैसा ही सब कुछ है, तो इन सब ये बातें देख के और उसके साथ जो बिहेवियर हुआ उसको देख के उसको समझ आ गया था, या तो रिच हैं, दो टाइप के पीपल हैं, दो टाइप के लोग हैं, या तो रिच हैं या पुअर हैं. इवन द कास्ट डज नॉट मैटर, इट इज़ ओनली मैटर्स इन दी लाइफ. सिर्फ क्या मैटर करता है, कास्ट मैटर नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ क्या मैटर करता है, मनी मैटर करती है. मुन्नू ऐसा नहीं है कि मुन्नू के साथ हमेशा बुरा हुआ, कि कभी उसके साथ मतलब लोगों ने उसके साथ बुरा ही किया, पर उस ऐसा नहीं है. उसको जो है डेस्टिनी ने फेवर भी की है. फेवर कब कब की है, पर जो जब जो इतनी ज़्यादा उसके साथ पड़ताड़ना सही उसने, इतनी ज़्यादा क्रुएलिटी सही उसने, तो उस जो उसके साथ अच्छा हुआ था ना, वो बस माइनस प्लस होता गया, ठीक है. जहाँ उसके साथ अच्छा हुआ उसके साथ बुरा भी हुआ. मुन्नू इज़ फेवर्ड बाय दी डेस्टिनी ऑन मैनी ओकेजन्स, दो फेवर ऑफ डेस्टिनी आर नलीफाइड बाय दी क्रुएलिटी ऑफ सोसाइटी. इट इज़ फॉर इंस्टांस अ शेयर स्ट्रोक ऑफ अ गुड लक दैट ही इज़ डिस्कवर्ड इन द रेलवे कैरेज बाई अ काइंड हार्टेड एंड ट्रूली रिलीजियस बिजनेस मैन बाई द नेम ऑफ प्रभ दयाल. मिला उसे कहाँ पे, रेलवे स्टेशन पे, जो जिस ट्रेन में वो बैठा था ना, भाग के ट्रेन में आया, फिर वहाँ पे उसको प्रभ दयाल मिला. तो प्रभ दयाल जो था अच्छा, मतलब रिलीजियस काइंड हार्टेड इंसान था, वो उसने उसको अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया और उसको जो है अपने साथ कहाँ ले गया, दौलतपुर ले गया अपनी फैक्ट्री में जॉब देने के लिए, ठीक है. सेठ प्रभ दयाल सेड टू मुन्नू, कम नाउ, बी अ ब्रेव लैड, wipe your eyes, we will take care of you, look, we are almost nearing Daulatpur. Munnu is truly devoted to the Prabhdyal and his wife and would do anything to relieve their distress when they become victims of Ganpat cruelty and wickedness. Jo Ganpat ne unke sath dhokha kiya tha, किसके साथ, प्रभदयाल के साथ, जिसकी वजह से उनका जो है बिजनेस ख़राब हो गया था, तो उनको दौलतपुर छोड़ना पड़ गया था, ठीक है. तो उसके बाद उसे जो है मुन्नू के पास जॉब नहीं रही थी, तो उसकी वजह से उसे बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था वहाँ पे रहना. तो ही लुक्स फॉर एम्प्लॉयमेंट बट ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू गेट वर्क बिकॉज देर आर टू मैनी कूलीज. जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे उसने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो कूली हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. मुन्नू वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू रियलाइज द फैक्ट दैट ऑल सर्वेंट्स लुक अलाइक. अब उसे इतना समझ आ गया था जो सारे सर्वेंट्स हैं वो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है. मुन्नू वंस अगेन फेवर्ड बाय डेस्टिनी, दोबारा फिर उसको जो है डेस्टिनी ने फेवर किया. अब वो उसको कौन मिला, एलिफेंट ड्राइवर मिला, जो सर्कस में एलिफेंट ड्राइवर ऑफ अ सर्कस हु एग्रीज टू टेक हिम टू बॉम्बे. जो उसको एग्री हो गया कि बॉम्बे लेके जाऊंगा, ठीक है, मेरे साथ चलना. तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, मुन्नू कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बॉम्बे पहुँच गया वो, ठीक है. खुद ही उसका उसमें खुद का कोई रोल नहीं है, वो डेस्टिनी उसे लेके जा रही है अलग अलग प्लेसेस पे. बॉम्बे में गया वहाँ पे, येट ही वंस अगेन बिकम विक्टिम. दोबारा वो विक्टिम बना सोसाइटी का, ठीक है, जो सोसाइटी उसके ऊपर देखते हैं अब क्या क्या उसके साथ होगा बॉम्बे के अंदर. हेयर मुन्नू इज़ एक्सप्लॉयटेड बाय द फोरमैन ऑफ द कंपनी इन विच ही वर्क्स. यहाँ पे मुन्नू का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, किसमें, जो कंपनी में जो फोरमैन था उसने किया. उसने मुन्नू को जॉब तो दी पर उसने उसके साथ कमीशन भी लिया. किसने, फोरमैन ने. फोरमैन गिव्स हिम जॉब बिकॉज ऑफ द कमीशन.
इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो चार्ज द इंटरेस्ट ऑन द लोन ही ऑफर्स टू हरी। हरी को जो उसने, हरी एक और नया करेक्टर ऐड हो गया यहाँ पे, हरी को जो उसने लोन दिया था उसके ऊपर जो ब्याज था वो उसने लिया, ठीक है। हरी सेज पेइंग अ कमीशन टू द फोर मैन इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। मुन्नू लिव्स इन द पैथेटिक कंडीशंस इन बॉम्बे, ही लिव्स इन द हट, हट के अंदर रहते थे झोपड़ी के अंदर, जब रेन आई तो सारी हट्स जो हैं वाटर के अंदर चल, मतलब बह गई सारी हट्स जहाँ पे वो रहते थे। मुन्नू को फिर दोबारा, मुन्नू उसके बाद जो है जोल में शिफ्ट हुआ, जहाँ पे जो कंडीशंस थी बहुत अनहाइजीनिक थी, बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशंस थी। यहाँ पे जो 7 लेटरिन्स थी, कितने दो बुरी हालत में ये लोग रहते थे। मुन्नू वंस अगेन फेवर्ड बाई डेस्टिनी वैन ही कम अक्रॉस टू मिसिज मैनवेरिंग, देन इन शिमला ही इज हैप्पी इनफ फॉर अ टाइम, बट बींग अनकस्टम टू द टॉयल पुलिंग अ रिक्शा ही कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबरक्लोसिस और डाइज अ प्रीमेच्योर डेथ। अब यहाँ पे जो है हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे दोबारा जो है मुन्नू के साथ कुछ अच्छा हुआ। मुन्नू जो है मिसिज मैनवेरिंग से मिला और उसके साथ, उनके साथ वो जो है शिमला चला गया। शिमला जाके उसको जो है रिक्शा पुलर का काम मिला, पर यहाँ पे उसके साथ और भी बुरा हुआ, यहाँ पे उसकी डेथ हो गई। डेथ कैसे हुई, जब वो रिक्शा पुल करता था तो उसकी वजह से उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उसकी अनटाइमली डेथ हो गई। अब जो ये कोटेशन है, इस कोटेशन को ध्यान से देखो, द टाइड ऑफ हिज लाइफ हैविंग रीच्ड बैक टू दी डीप्स। अब जो उसकी लाइफ में जो उभार आया था वो दोबारा जो है डीप में चला गया, मतलब जो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ था वो दोबारा बुरा हो गया, अब तो उसकी डेथ ही हो गई, ठीक है। इससे बुरा क्या होगा, इन नटशेल वी कैन से दैट मुन्नू इज़ दी होलसम करेक्टर। इतने सारे मिसफॉर्चून्स हुए उसकी लाइफ में, बट उसने कभी भी हार नहीं मानी। यहाँ से हमें मुन्नू से ये सीखने को मिलता है, मुन्नू इज़ ऑलवेज रिगार्डेड एज अ सिंपल ऑफ दी अफर्मेशन ऑफ लाइफ। मुन्नू को हमेशा जो है हम जो अच्छी लाइफ, जो उसने उसकी जो लाइफ थी जस्ट फॉर लाइफ, इतने मिसफॉर्चून होने के बाद भी वो जो है उसकी लाइफ के लिए कभी भी मतलब उदास नहीं हुआ, वो फिर भी वो जीता रहा, ठीक है। हमें, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो।